जी आपका बर्तन उठाओ निकलो। उनसे बात करें आप। मैंने उनसे बात नहीं करनी, जब भी मैं आता हूँ यही बात तो कह के डाल देती है। छह माह हो गए हैं। मैंने फोन करके अब जाए आप ऐसे ना आया करें। देखो कुछ भी हो मैं किराया लेके जाऊंगा। अच्छा आप चुप करके इधर बैठे, मैं आने कॉल करती हूँ। मैं बैठ रहा हूँ इधर, बातचीत भी करनी, पैसे लेके आ। हेलो, देखो आप कितनी देर हो गई है पैसे नहीं भेज रहे। हर दूसरे दिन वो आया होता है, अब तो उसने हद ही कर दी है। मैं काम कर रही थी, इतना बदतमीज है, सामने सीधा आ जाता है, पीछे पता ही नहीं चलता, और मुझे तो उसे डर लग रहा है। अब पैसे भेजे आप उसे, आपने पैसे भेजने ही है, मैं सामान यहां से उठा लूं। देखिए साहब पैसे तो नहीं है, तो मैं अगले माह तक ना आपको पैसे दे दूंगी। पैसे दो या मकान खाली करो। अब मैंने ने बात की है, पैसे नहीं मिले अभी। मैं अगले महीने जैसे मर्जी आपको पैसे दे दूंगी, प्लीज। देखिए मैं अगले महीने आपको ना जैसे भी करके ना किराया दे दूंगी। तुम हर बार यही कहती हो, लेकिन देती कहाँ हो? लेकिन देखिए अभी आप मुझे यहाँ से निकालेंगे तो मैं किधर जाऊंगी? मेरा मायका भी इतनी दूर है, तो मैं कैसे जाऊंगी? मेरा इधर भी कोई नहीं है। फिर एक शर्त पे तो एक किराया छोड़ सकता हूँ मैं। क्या? तुम मेरे साथ दोस्ती करो, उसके बदले मैं आपको जो अगला पिछला किराया वो भी छोड़ दूंगा, और ऐसा भी तुमसे किराया नहीं लेने आऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ मुकम्मल दोस्ती करना पड़ेगी और मेरी बात मानना पड़ेगी। देखें ये अच्छी बात नहीं है और मुझे मुनासिब भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं, क्यों, मैं मजबूर हूँ और आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन प्लीज किसी को पता ना चले इस बात का, और आप किसी से इस बात के बारे में जिक्र भी ना कीजिएगा। इसका मतलब तुम मान गई हो? मजबूरी में और क्या करूं? चलें।